सबसे पहले बोलूँगे नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ ग्लोरी मोहंता एंड विश यू मैनी 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 हैप्पी न्यू ईयर। और यस, मेरा साल का पहला पिक्चर है, बट मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि इसमें अभी तक मेरे किरदार का नाम मुझे प्रॉपर पता नहीं है, बिकॉज मैं आज ही आई हूँ। तो लेट्स सी डायरेक्टर सर क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं और स्क्रिप्ट मुझे अचानक से मिलेगा। इस फिल्म को लेके मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब अपना प्यार और आशीर्वाद हम पे और हमारी पूरी टीम पे बनाए रखें, और ऐसे ही हमारी टीम पूरी अच्छे से मेहनत जी और जान लगा के मेहनत करे, काम करे और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स आप लोग के बीच में लाए। और ये फिल्म बहुत ही अच्छी बन रही है, जिसके डायरेक्टर हैं धीरेन्द्र सिंह बाबा जी, और उनको सबसे पहले तो मैं अपने माँ बाप को और उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे मौका दिया है इस पहली फिल्म को और इस इंडस्ट्री में आने के लिए। और धीरेन्द्र सिंह जी को तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कि मुझे लॉन्च कर रहे हैं एज अ हीरो, और ये मेरी पहली फिल्म है। और ये खुशीनगर में आके, गोरखपुर में आके बहुत ही खुशी हो रही है कि इधर के लोग सपोर्टिव हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमको और हमारी पूरी यूनिट को। और आप सब अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही हमारी टीम पर बनाए रखते थे। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ग्लोरी जी हैं, सबसे पहले तो इनका नाम सुन के ही इतना खुशी हो गया कि हमारे अपोजिट में ग्लोरी जी हैं। और बहुत ही और भी अच्छा लग रहा है कि हम एक मार्केट की हीरोइन के साथ पहली फिल्म कर रहे हैं। और आप सब बस ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद हम दोनों की जोड़ी पे भी बनाए रखें, ताकि हम लोग और भी कई फिल्में एक ही साथ करें। धन्यवाद। मुझे बहुत प्यारा लगा, मुझे बहुत क्यूट लगा, और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने भी मेरे दोनों ये फिल्म के जो दोनों हीरो हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत मेहनती हैं, इनके साथ तो मैं कर ही रही हूँ, दूसरे वाले हीरो भी बहुत अच्छे हैं। मैं बस यही चाहूँगी कि आप अपना प्यार आशीर्वाद इन दोनों पे बनाएं, इस फिल्म पे बनाएं, ताकि ये लोग जो इच्छा लेके आए हैं, जो मतलब बनना चाहते हैं, वो चीज़ में ये लोग सक्सेसफुल हो, बिकॉज ये इंडस्ट्री स्ट्रगल वाली है। बट आई वॉन्ट कि आप सब आशीर्वाद दें, ताकि इन लोगों का फिल्म बहुत अच्छा हो। ऑडियंस से यही बोलूँगी, जैसा मुझे प्यार देते आ रहे हैं, वैसा प्यार दीजिए। आपके प्यार के कारण, आपके सपोर्ट के कारण, एक बैक डांसर से एक आइटम डांसर का दौर, एक आइटम डांसर से अभी एज अ लीड का दौर, आप लोगों के प्यार के कारण ही कर पा रही हूँ। आप लोग का प्यार है, इंडस्ट्री का प्यार है कि आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। थैंक यू सो मच।